एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा, जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए। इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा।